आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले सेल्फ इस्टीम क्या है और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, इसके बारे में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा। सेल्फ इस्टीम मतलब के जो हमारी वर्थ है, जो हम कर सकते हैं, जो हम काबिल हैं करने के वो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है कि वो हमें करना आए, उसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा, डू यू नो अबाउट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब एक काम है जो हमें करना आता है और वो हम कर सकते हैं कॉन्फिडेंसली। सेल्फ इस्टीम का मतलब क्या है कि जो हमारी वर्थ है और कितने आप ऑनेस्टली काम करते हो, कितने आप ईमानदार हो, तो ये दो हैं जिन पे कॉन्फिडेंस टिका हुआ। सेल्फ इस्टीम मीन्स के जब हम अपनी वर्थ जानते हैं और हम अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब जिस पे आपको 100% श्योरिटी हो कि ये मैं कर सकता हूँ, पूछे कि आप ये काम कर सकते हो, आपको हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और शर्त ये है कि वो आपको काम आना चाहिए, दिस इज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा ना हो कोई आपको कहे कि भाई आप क्या तैर सकते हो, बड़ा बोलते हैं नदी का, आपको हाँ मारो छलांग तैर सकता हूँ, आपको तो एबीसी भी ना हो पता, ये है ओवर कॉन्फिडेंट। ज़रा सी क्या आपको सक्सेस मिल गई, आपको हवा में उड़ने लगे, और फिर थोड़ा सा कुछ हो गया वापस ज़मीन पे आ गए, फिर दुखी होकर रो रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही मतलब नेगेटिव है। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि मतलब बढ़ता ही जाए ऊपर ऊपर, इतना मतलब कि नीचे आने की गुंजाइश ही ना हो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सेल्फ इस्टीम अगेन ऐसी हो मतलब कि अनशेकेबल, खुद की नज़र में अगर आप ऑनेस्टली काम कर रहे हो तो आपका ग्राफ ऊपर होगा, ऐसे बढ़ती है सेल्फ इस्टीम। मान लो कोई घपले कर रहा है, वो खुद की नज़र में गिरा हुआ है, दूसरों की नज़र में कैसे उठेगा, तो ऑनेस्टली इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कॉन्फिडेंस। अगर ऐसे कोई घपले मारकर सक्सेसफुल बन भी जाता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस कभी बिल्डअप नहीं होगा, बड़ा हुआ नहीं, हाँ पैसा बहुत सारा होगा उसके बाद, लेकिन वो मज़ा नहीं होगा, वो सुकून कॉन्फिडेंस तो दूर की बात है, सुकून ही नहीं होगा उसके लाइफ में, जो घपले करके जो मतलब फ्रॉड करके स्कैम करके आगे निकलता है, उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। तो ऑनेस्टली ईमानदारी से काम करना है, कोई भी काम करना है, और खेल की तरह करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपकी प्रैक्टिस में दम होगा, अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट होते जाओगे प्रैक्टिस करते करते, इन द शॉर्ट टर्म फेलियर आएगा, बट इन द लॉन्ग टर्म आपको कोई भी नहीं आगे जाने से रोक सकता। जैसे कि ये सूरज है, मतलब ये इसकी रोशनी है, इसकी चमक आप देख सकते हो, कब तक इसको बादल आकर रोकेंगे, अगर रोशनी होगी तो दिखेगी ना। अगर आपकी प्रैक्टिस में दम होगा, अगर आपकी सेल्फ इस्टीम में दम होगा, अगर आप ऑनेस्टली काम करोगे अपने साथ और दूसरों के साथ, तो इस चमक को कोई नहीं रोक सकता जो आपके अंदर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।